आज मेरी आपके तीन पुराने दोस्तों से बात हुई इसी मंच पर, और तीनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसमें एक आपके पुराने मित्र विजय बहुगुणा भी थे, और तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का यही कहना था कि जब से आप आए हैं तो विकास पूरा डिरेल हो गया है उत्तराखंड का, जिसका आपने अभी विस्तार में बताया भी कि कैसे कैसे आप विकास कर रहे हैं। दूसरा उनका कहना था कि पुअर गवर्नेंस है आपके वजह से, और तीसरा उनका कहना था कि जो उत्तराखंड की मर्यादा थी, जो शान थी, उसको बट्टा लगा है जब से आप आए हैं 2.5 साल। देखिए, मैं लाज से उत्तर देना चाहूँगा। उत्तराखंड की शान वो लोग हैं जो सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के लिए दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करके दल बदल की शुरुआत करवा रहे हैं, वो लोग हैं या आम उत्तराखंडी है। हरीश रावत ने यदि एक काम भी ऐसा किया हो जिससे आम उत्तराखंडी की शान में बट्टा लगा है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 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 मैं किसी भी स्टैंडर्ड से ये नहीं मानता हूँ कि कोई उत्तराखंडी मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों पर गर्व करना चाहेगा। वो किसी भी स्टैंडर्ड से उत्तराखंड कुछ भी हो सकते हैं, वो योग्य मुख्यमंत्री हो सकते हैं, योग्य नेता हो सकते हैं, वो योग्य राजनेता हो सकते हैं, योग्य जज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक अभिमानी उत्तराखंडी नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में जब वक्त आया उन्होंने आम उत्तराखंडी को पीछे रखा और जो गैर आम थे उनको अपना खास बना करके अपना बगलगीर करने का काम किया, और आखिरी झटका उन्होंने इस दल बदल में दिया। ये दल बदल यदि आखिरी है तो मैं उत्तराखंड से कहूँगा इसको माफ़ कर देना, और यदि ये गोवा, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की शुरुआत होगी, इससे हरीश रावत की सरकार दल बदल से झकझोरी जाने वाली पहली सरकार होगी, और इसके बाद सभी आएंगे, जिसका काम मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा दो चार मिल करके दल बदल कर लेंगे और दूसरी पाली में दिखाई देंगे, तो फिर उत्तराखंड पर जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पाप कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पाप थोपने के दोषी हैं उन लोगों को कोई माफ़ करे मगर उत्तराखंड को माफ़ नहीं करना चाहिए। नंबर टू, जो उन्होंने अभी कहा कि उत्तराखंड जो तरक्की कर रहा था, 14 घंटा बिजली देते थे, ये सभी लोग हैं उसमें, मैं 24 घंटे में ले आया तो नीचे आ गए। जिस केदारनाथ यात्रा के लिए इन्होंने कहा था, वो आए जो सर पर कफन बांध करके आए, और मैंने उसको न केवल उसी साल प्रारंभ करवा दिया, इस साल 15 लाख से ज़्यादा यात्री आ गए, 3 करोड़ लोग कांवड़ के लिए आ गए, अर्धकुंभ के लिए लोगों ने कहा भूतो न भविष्यति। अब आज भी जो अर्धकुंभ के साई निर्माण कार्य हैं वो हरिद्वार में देखे जा सकते हैं, और जिस कुंभ के लिए 700 करोड़ रुपया दिया केंद्र सरकार ने, उस कुंभ का एक काम बता दें उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, जिसको लोग कहे कि ये काम कुंभ के वक्त में किया करके, वो हरीश रावत से सवाल कर रहे हैं कि अवस्थापना। मैं कह रहा हूँ 1343 सड़कों में काम शुरू करवा दिया। आप कोई जिस जो सिंचाई विभाग 200 करोड़ रुपया खर्च नहीं करता था उसको मैंने 800 करोड़ में पहुँचाया, जो 800 करोड़ रुपया PWD खर्च करती थी आज 3000 करोड़ रुपया खर्च करने का काम कर रही है। कोई विभाग ऐसा देख लीजिए जिस विभाग के अंदर आपको काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये लोगों ने फ्लाईओवर के ठेके जरूर दे दिए मगर फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिकृत करने का काम नहीं किया। हरीश रावत ने अधिकृत करने के बाद कंपनसेशन बांटने के बाद फ्लाईओवर बना दिए, तो हरीश रावत तो स्थापना विकास का दुश्मन है। हरीश रावत ने फ्लाईओवर, टनल्स, रोपवेज बनाने के लिए अलग कॉरपोरेशन बना दिया। हरीश रावत जो है ढांचागत विकास का दुश्मन है। बजट विधानसभा ने कहा पास, हाईकोर्ट ने कहा पास, देश में नया इतिहास बनवा दिया इन माई के लालू ने मुझसे कि एक ही बजट ईयर के अंदर मुझको 2 बार विधानसभा में बजट पास करवाना पड़ा, 2 बार।
और सीबीआई किस बात के लिए लगा रखी है? दल बदल मेरे घर से हो रहा है, विधायक मेरे घर से गए, बरामद हो रहे हैं भाजपा के अंदर, और दिल्ली में ऐसे थानेदार बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ही मुकदमा लगा दिया, कह रहे हैं तेरे ऊपर मुकदमा होगा। अरे माल तुम्हारे घर में बरामद हो रहा है और मुकदमा मेरे ऊपर बताओ जुगलान साहब। ये आप तो बड़े पुराने पत्रकार हैं, भगवान जरा न्याय करिए, क्योंकि वैसे तो आप देश के लोगों को मीडिया के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। वो पंकज उधास की एक कविता है ना कि तू ही है धनवान गोरी, बाकी सब है सब कंगाल। इस समय हम तो सब कंगाल हैं, बाकी एक ही है माला माँ, सब सारी ताकतें उनके पास है, बाकी हम क्या कह सकते हैं। मगर इसीलिए मैंने बड़ी नम्रता से, एक बार किसी ने मुझसे इंटरव्यू में उसमें बातचीत में पूछा इसी तरीके की, उन्हें कहा आप नाम नहीं ले रहे हैं, मैंने कहा मैं जो छोटे राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसको हिंदुस्तानी छोटी बहू की तरीके से होना चाहिए, क्योंकि छोटी बहू जेठ का नाम नहीं लेती है। मैं जेठ का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर भाई हिंदुस्तानी बहू की, छोटी बहू की व्यथा को भी तो कोई सुने।